दो लोग थे बाइक पे और हेलमेट एक ने भी नहीं पहना। मैडम इसके नाम थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस कारण हॉस्पिटल जाना था, वही मजबूरी है थोड़ी। अच्छा लग तो नहीं रहा है बीमार। अरे मैडम किसी बीमार आदमी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो बीमार है, बेचारे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जाना पास में ही है। चल बैठ भाई। ठीक है जाओ चालान कटवा कर। मैडम देखो प्लीज जाने तो कह रहा हूँ, मजबूरी है यार। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चालान कटवाओ जाओ जहाँ जाने। देखो मैडम मैं बोल रहा हूँ कि जाने दो प्लीज, वो बीमार है, मजबूरी का फायदा मत उठाओ, और भी तो लोग जा रहे हैं रोड पे। आपको रोका है क्योंकि आपकी गलती थी, आपको चालान तो कटवाना ही पड़ेगा, समझे? अरे मैडम किसी को मारा नहीं है हमने, गलती कर दी तब से एक बात लगा रखी है। एक काम करो आप, ईयरफोन दिखाइए मेरा, ये चाचा से बात कर लो, वो भी पुलिस में है, लो बात करो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, समझे? आपने गलती करी, आपको चालान भरना पड़ेगा, और रूल सबके लिए सेम है, चाहे आपके पापा पुलिस में हो या दादा, समझे? देखिए रूल सबके लिए क्या मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो जा रहे हैं उनको रोको ना, हमें क्यों रोक दिया? मैं कह तो रहा हूँ वो बीमार है, हॉस्पिटल जाना है हमें। देखो मैडम मैंने बोल दिया मैं चालान नहीं कटवाऊंगा, बाकी आपको जो करना होगा कर लो। देखो अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है, समझे? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बहुत काम है, चालान कटवाओ जाओ यहाँ से। देखो मैंने एक बार बोल दिया कि मैं चालान नहीं कटवाने वाला तो नहीं कटवाने वाला, आपके समझ में नहीं आ रहा? ये बदतमीजी मेरे सामने तो मत ही करो तुम, समझे? और ऑन ड्यूटी पुलिस वाली से बदतमीजी करने के जुर्म में ना तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ मैं, समझे? हाँ ठीक है, आपको जो करना होगा कर लो, मैं कह रहा हूँ एक बार चाचा से बात कर लो बस। करा बात, कौन है तेरी चाचा? लो करो बात। हेलो जी सर। हाँ मैडम क्या बात हो गई है? कुछ नहीं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना और बदतमीजी भी कर रहे मुझसे। अरे मैडम अपना भतीजा है और मैं भी पुलिस में हूँ, देख लो। पर सर रूल तो सबके लिए सेम है ना। अरे मैडम मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, अपना भतीजा है, छोड़ दो। फोन दीजिए। क्यों हवा टाइट हो गई? अब भी चालान काटना आपको? चालान तो तुम्हारा अभी भी कटेगा। ओए अंकिता मैडम क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैडम कृपा है आपकी। ओहो सुबह सुबह दो मुर्गे पकड़ रखे। ऐसे मत बोलिए ना सर, सुनेंगे तो क्या लगेगा उन्हें? अरे लगता हो तो लगने दो, बुरा मेरे को कौन सा फर्क पड़ता है, वैसे इनका तो चालान मोटा ही कटेगा, हेलमेट तो है नहीं इनपे, और बाइक भी देखने में महंगी ले रखी है। अपने चाचा की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि इंस्पेक्टर है इसके चाचा, मैंने बात करी, बोल रहा था इसके चाचा कि छोड़ दो इसे, मैंने बोल दिया मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी ड्यूटी ढंग से निभाऊंगी। मैडम आपने बिल्कुल सही किया, इन जैसों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए, ये बड़े घर के लड़के होते ना ये ऐसे अपने चाचा की दोस्त दिखाते हैं, और इनके असल में कोई होता तो है नहीं चाचा रिश्तेदार, बस कहते रहते चाचा मंत्री है, चाचा विधायक है, चाचा ये है। सही किया मैडम, इनका तो चालान कटो अच्छे से। और क्या देख रहा है, तेरा तो चालान कटेगा, और क्या कह रहा था तू, चाचा पुलिस में? हर तीसरे का चाचा या फूफा या मंत्री कोई ना कोई रिश्तेदार निकल ही जाता है राजनीति में, अब क्या करे, लाइन ही ऐसी है, जब पकड़े जाते बहाने भी तो ऐसे मारने होते ना जिससे बच सके। चल जल्दी से ना पैसे निकाल। सर किस चीज का चालान कटेगा हमारा? हेलमेट है। हेलमेट? सर आप भी तो भी बाइक पे, आपने कौन सी हेलमेट पहन रखी थी? ओहो अब पुलिस वाले को तो कानून समझाएगा कि मैं हेलमेट में आया हूँ या नहीं आया हूँ। देख ज्यादा है ना मेरे को कानून में सिखा, मैं पुलिस वाला हूँ और तू नॉर्मल इंसान। मैडम आप तो बड़ा बोल रहे थे कि कानून सबके लिए सेम है, हमारा अगर बिना हेलमेट का चालान कटेगा तो इनका क्यों नहीं, ये पुलिस वाले हैं इसलिए। देखो ज्यादा बहस मत करो और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आपका चालान काटना है तो चालान काटेंगे, और पुलिस वाले को थोड़ी चालान काट देंगे। मैडम देखो थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानता हूँ, चालान अगर हमारा कटेगा ना बिना हेलमेट का तो इनका भी कटेगा, पुलिस वाले तो इनके लिए कोई स्पेशल शूट नहीं है। अबे तेरा कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, एक काम कर, कौन है तेरा चाचा, मेरी बात करा। हेलो, अरे वर्मा जी आप हो क्या? अरे यार चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ छोड़ देंगे, और थोड़ा ऐसे समझाओ, रोडों पे हेलमेट वगैरह पहन के चला करे, बताओ बिना हेलमेट के घूम रहा है। हाँ हाँ छोड़ दूंगा। अरे सुनो मैं क्या कह रहा था, 400-500 ले लूँ क्या? ठीक है चल 500 रुपये निकाल और जाओ।
500 500 रुपए? मैं बोला तेरे को 500 रुपए निकाल और जा। तो किस चीज के बोलो तो? तेरे चाचा ने समझाया नहीं क्या तेरे को? अरे रिश्वत मांग रहे हो शर्याम? अबे रिश्वत नहीं मांग रहे है, ये तो खाली अपना खर्चा पानी मांग रहे है। अबे तेरे चाचा भी तो यही काम करते है। मुझे इतना पता कि मेरे चाचा रिश्वत खोर नहीं है, और ना वो कभी रिश्वत लेते, और ना वो कभी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अच्छा सुन, एक काम कर, 500 रुपए दे और चला जा, और हाँ आगे से कभी दोबारा इधर से जाया करे ना। कितने गए गए? अभी के लिए तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। सर देखो मैं कोई 500 रुपए नहीं दूंगा, बहुत हो गया। अबे यार एक तो तेरे चाचा के कारण हम तुझे छोड़ रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, अगर तू हमारी उनसे बात नहीं कराता ना तो हम तेरे को छोड़ते भी नहीं, और उन्हीं के कहने पे 500 रुपए में बात टल भी रही है, वरना तो कम से कम इस बाइक को देख के ना 10,000 रुपए तक का तो तेरा चलान कटता। और अगर बाइक इतनी महंगी है तो तूने साउंड वाउंड भी करा रखी होगी इसमें? नहीं कोई साउंड वाउंड नहीं करवा रखा है इसमें, जो कंपनी में आता है वही है। अरे अरे हमें मस्ती का बेटा, हमने भी ना अपनी जवानी में बहुत बुलेट लेके पटाखे छुड़ाए, हमें मस्ती का। सर सारी गैर कानूनी चीजें तो आप कर रहे हो, आपने अभी तो बोला कि बुलेट पे आपने पटाखे लगा रखे हैं, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं करवाया, जो कंपनी से आता वही है, ऊपर से हमें रोक के हमारा चलान काट रहे हो, और अगर चलान नहीं देना तो 500 रुपए मांग रहे हो, ये कोई बात होती है? अबे यार बस कर, ऐसा नहीं है कि हम तुझे सस्ते में छोड़ रहे तो हम ही गलत है, एक फायदे के लिए बोल रहे हैं, तेरे 500 रुपए दे और चला जा, अच्छा लगेगा कि ज्यादा का चलान कटे तेरा 20-25 हजार, अभी तो 10 की बात कर रहे थे, तो 500 रुपए दे दे चला जा। और एक बात बता, अगर हमें तेरे से कुछ पैसे ही ऐठने होते या तेरे पे कुछ केस ही बनाना होता तो हम यूं नहीं कह सकते थे कि तू ऑन ड्यूटी पुलिस वाले से बहसबाजी कर रहा था या छेड़ रहा था, इस चीज़ का भी तो केस बन सकता है। अब वो तो हम इस मारे चुप बैठे कि तेरे चाचा है हमारे जानने वाले, अच्छे मित्र हैं हमारे, अब तू है कि वो बात समझ ही नहीं रहा है। सुनो सर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए पड़े मेरे पास, आप वो रख लो और हमें जाने दो। क्या 100 रुपए? मैं भिखारी समझा तूने हमें? तो 500 से नीचे का तो बुलेट में पेट्रोल नहीं डलता, और इतनी महंगी बाइक ले रहा और कह रहा 100 रुपए। चल एक काम कर, दूसरा ऑफर भी है मेरे पास, ये बाइक छोड़ जा और पैसे लेके आ जा, फिर बाइक ले जाइए अपनी। किसका फोन आ गया मैडम? विधायक जी का। अरे हाँ याद आया, आज तो विधायक जी का जन्मदिन है, और आज इन्होंने अपने घर पे बर्थडे पार्टी भी रख रखी है। उठाओ ना, क्या कह रहे पूछो तो। हेलो जी साहब जी, ठीक है, हाँ हो जाएगा विधायक जी जी, ठीक है। क्या हुआ मैडम, क्या कह रहे हैं विधायक जी? यार विधायक जी तो अलग ही पंगा कर रहे हैं। पंगा क्या हुआ? अरे कह रहे हैं कि इनका बर्थडे है तो शाम को पार्टी है, और पार्टी में तो दारू चाहिए। तो मैडम इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, दारू की तो बात है, करा देंगे जुगाड़, इसके बदले में पैसे तो दे रहे हैं ना। अरे पर हम कहाँ से लाएंगे, आपको तो पता है ना हमारी सिटी में दारू बैन है। अरे मैडम हम पुलिस वालों के लिए ना ये चीजें आम बात है, दारू की तो बात है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, और वैसे भी एक बात बताओ, हम पुलिस वालों को दारू के लिए मना करेगा कौन? अरे पर बात समझने की कोशिश करिए, अब रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हो गया, अगर किसी को पता चल गया ना तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। पैसे तो बोल रहे हैं ना, इसके बदले में पैसे देंगे अच्छे खासे। हाँ कह रहे हैं मुंह मांगी रकम देंगे। हाँ तो बस फिर क्या दिक्कत है, जब मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं तो दारू कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी एक बात बताओ, हर साल तो इनकी दारू का इंतजाम हम लोग ही करते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना आके करता है। मैडम कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, बस आप तो आज शाम तक का वेट करो, पार्टी में एंजॉय भी करेंगे और पैसा भी लेके आएंगे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। और मैडम इनका क्या करना है? अरे छोड़ा ना इनको, जाने दो, 500 का सवाल है, यहाँ हमारे को इतनी टेंशन हुई पड़ी है, शाम तक जुगाड़ भी करना है। ठीक है चलो चलो। सर मैं ये क्या सुन रहा था, आप विधायक जी के बर्थडे पार्टी में शराब वगैरह ले जाने वाले हो? तू हमारे यहाँ पे खड़े हो गए, छुप छुप के बातें सुन रहा था? नहीं सर आप जोर जोर से बोल रहे थे इसलिए मैंने सुन लिया। देख ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सब तू सुन रहा था, तो एक काम कर निकल यहाँ से, चल। चलो ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ एक चीज, वो यार फोन कहाँ गया, एक सेकंड जी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर पुनीत भाई, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं आप बात कर रहे थे। कौन है? बात करो। हेलो कमिश्नर साहब,
सस्पेंड क्यों सर? सर सर हाँ आपको सस्पेंड किया जाता है ऑन ड्यूटी रिश्वत मांगने के जुर्म में और विधायक जी के घर में इलीगल दारू भिजवाने में। पता नहीं ये कब से करते आ रहे हो आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात कर ली कमिश्नर सर से या फिर और किससे भी करवानी है। और अंकिता मैडम आप भी इनके साथ सस्पेंड होंगी क्योंकि आप जैसे लोगों की ना जरूरत नहीं है इस डिपार्टमेंट में। इसका मतलब तुम इंस्पेक्टर हो? हाँ पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं इस एरिया का, अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है। हाँ उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई सामने लाना बहुत ज़रूरी था। खुद सारे रूल्स तोड़ते हो, खुद सारे नियमों का उल्लंघन करते हो, लेकिन जब सामने वाला करे तो उसका चालान काटते हो। हाँ गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे रखा है आपको चालान काटने का, लेकिन आपको खुद भी वो ना रूल्स फॉलो करने चाहिए। चले जाने दीजिए, अब आप जेल में फॉलो करना रूल्स। सस्पेंड तो आप हो गए लेकिन उसके साथ साथ जेल भी हो सकती है आपको। देखो सर मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, ये हमारी आखिरी गलती है, इसके बाद ये गलती नहीं दोहराएंगे। अरे मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला, कमिश्नर सर ने बोल तो दिया, आपकी वर्दी तो बस उतर जाएगी अब। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया आ रहा है दिमाग में तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। और हमारे पेज पे जल्दी से फॉलो करो, जल्दी से फॉलो बटन पे क्लिक करो यार, आप वीडियो देखते हो फॉलो नहीं करते हो। और प्लीज शेयर करो वीडियो को, अब भी क्लिक करो शेयर बटन पे अब भी क्लिक कर दो। लव यू ऑल।